राज्य में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि आईसीएमआर और निदेशालय के दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुखाम, सांस के वाले मरीजों के कोविड-19 के टेस्ट कराए जा रहे हैं, साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के मामलों में एकाएक इजाफा हुआ है, लिहाजा केंद्र व राज्य सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं, जो गाइडलाइन आई है आईसीएमआर से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी आईएलआई के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। और तैयारी कैसे हो रखी थी? अभी सारी है, हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब फंक्शनल हैं और टीम भी हमारी पूरी तैयार है, सब व्यवस्थाएँ दुरुस्त है हमारी।